योग करें, स्वस्थ रहें और कोरोना के समय में तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये बात तमाम लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, इतना ही नहीं बल्कि कुछ देर पहले बाबा रामदेव ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही। अब देखिए लोग भी किस तरह से योगिक क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर, राजधानी भोपाल की तस्वीर, यहाँ पर भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा भी इस दौरान मौजूद हैं और उनकी अगुवाई में यहाँ पर लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं उनकी मौजूदगी में। और आप देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। योग कितना महत्वपूर्ण है, योग की अलग अलग क्रियाएं, देखिए शरीर के हर हिस्से के लिए अलग अलग तरह की योगिक क्रियाएं हैं और कई तो ऐसे भी आसन हैं जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। फिलहाल ये तस्वीर जिसे हम लाफ्टर थेरेपी कहते हैं, कोरोना की वजह से जिस तरह से अभी एक तनाव का माहौल है, मानसिक अशांति का माहौल है, अब ऐसे में योग ही एक वो साधन है जो आपको मानसिक रूप से शांत रखता है, जो आपको धैर्यवान बनाता है, जो आपको जीने की एक अलग राह दिखाता है। हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय